हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीए विद राहुल सर। तो आज हम करेंगे हमारा एसएससी एमटीएस का वोकैब 3। इससे पहले आपका वोकैब पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है, ठीक है, तो आप वो जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी वीडियो वो। तो उसमें हमने प्रीवियस ईयर डिस्कस करा है क्या वोकैब में पार्ट 1 पार्ट 2 में सिनोनिम्स, तो इससे पहले आप वो जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वोकैब 1 वोकैब 2 मिल जाएगा। हमने इससे पहले स्पॉटिंग एरर्स पार्ट 1 भी करा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला वर्ड क्या होगा। हमारा पहला वर्ड होगा टाइरेड। क्या वर्ड होगा? टाइरेड, TIRAD। टाइरेड का मतलब होता है क्या? टाइरेड का मतलब होता है कि आपके खिलाफ कोई क्या कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। आप दूसरे मतलब आपके खिलाफ कोई क्या कर रहा है, दूसरों को क्रिटिसिज्म दे रहा है, यार ये तो बहुत बेकार है, आपकी निंदा कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? क्रिटिसिज्म हो रहा है आपके खिलाफ। CRITICISM, क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इसे कैसे याद रख सकते हो, आप इसे याद रख सकते हो, देखो आप इस वर्ड को देखो, टाइरेड को, अगर आप टाइरेड को ध्यान से देखोगे तो यहां पे आ रहा है रेड। क्या आ रहा है? रेड। तो पुलिस ने मारी उसके घर पे रेड, पुलिस ने एक ऑफिसर के घर में रेड मारी जो बहुत ईमानदार ऑफिसर था। तो जब पुलिस ने उसके घर में रेड मारी तो वहां में मिले करोड़ों के पैसे। तो जब रेड में मिले करोड़ों के पैसे तो अब क्या होगा? अब तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे हर कोई। अब तो पब्लिक उसे क्रिटिसिज्म देगी उसके खिलाफ कि भाई बड़ा ईमानदार बनता था, उसके पास से तो बहुत ज्यादा करोड़ों के पैसे मिले। तो टाइरेड को कैसे याद रखा आपने? रेड से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे लिंक करके आप याद रख सकते हो। आपके खिलाफ कोई कंप्लेनिंग वर्ड्स बोल रहा है, आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ आ रहा है, चाहे वो रिटन में आए चाहे बोलने में आए, उसे हम कहते हैं टाइरेड। टाइरेड के अलावा हम इसके सिनोनिम देखेंगे कैसे, देखो एक और वर्ड देखेंगे। एक वर्ड होता है फ्लैक, FLAK, फ्लैक। फ्लैक का मतलब ये होता है किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देना, बहुत ही ज्यादा निंदा करना किसी की। तो टाइरेड पहला वर्ड आपका क्या क्या हो गया देखो, पहला वर्ड आपका हुआ टाइरेड, TIRAD, फिर हुआ आपका फ्लैक, FLAK, फ्लैक। नेक्स्ट वर्ड सिनोनिम, इसी का सिनोनिम जो है, ठीक है, क्या होगा? डायट्राइब। डायट्राइब बहुत बार एग्जाम में आ गया है, सीजीएल वगैरह सब में पूछा जाता है बार बार। देखो वो कैब क्या है, सीजीएल की जो लोएस्ट वो कैब होगी, हल्की वो कैब, उसे एमटीएस में डाल देंगे, CHSL और एमटीएस के वो कैब मिक्स करके डालेंगे, ठीक है। CPO में जो प्री में पूछा गया वो सीजीएल प्री में कर देंगे। तो वो कैब्स है क्या? बेसिकली वो कैब्स तो घूमे जा रही है। आपको क्या करना है, आपके एमटीएस के लिए अगर आप चाहते हो आपके इंग्लिश में अच्छा स्कोर आए, मैं अपना बता रहा हूं आपको कि आप क्या करो, मुझ पर विश्वास रखो पहली बात। दूसरी बात आप क्या करो, प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उससे अच्छे से एनालिस करो, उसकी वोकैब अच्छे से पढ़ो, उससे बाहर नहीं जाएगा। एक दो दिन से मैं द हिंदू नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं कहीं और आ रखा हूं, वरना द हिंदू की वोकैबुलरी में मैं आपको साथ साथ डालते रहता हूं। जैसे मुझे लगता है वर्ड नया आया, मैं अपने आप से आपको करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारा वर्ड हुआ टायरेड। टायरेड का मतलब क्या? क्रिटिसिज्म देना। फ्लैक, FLAK, इसको FLAK का मतलब भी, फ्लैक का मतलब भी किसी के खिलाफ क्रिटिसिज्म देना। डायर ट्राइब, देखो एक ट्राइब है, ट्राइब होती है, तो समझ लो डायर ट्राइब मतलब दो ट्राइब है, तो समझ लो एक ये ट्राइब है एक ये ट्राइब है, तो ये ट्राइब इस ट्राइब की बुराई कर रही है, ये ट्राइब इस ट्राइब के इस ट्राइब को क्रिटिसाइज कर रही है। तो डायर ट्राइब का मतलब भी हो गया फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड SSC के सीजीएल मेंस में पूछा गया था, कैलमनी, CALUMNY, कैलमनी। कैलमनी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कोई भी आपका घर है, कोई भी आपके घर में आ जाता है, जैसे आप कहते हो यार ये बड़ा ही ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कलमुही, ठीक है, कि यार ये आता है तो बड़ा ही मतलब परेशानी आ जाती है, बड़ा ही क्रिटिसिज्म आ जाता है, तो उसको आप याद रख सकते हो क्या? कलमुही, ठीक है। तो कैलमनी मतलब भी क्या होता है आपका? फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। कितने वर्ड हो गए? फ्लैग, टायरेट, डायट्राइब, कैलमनी। एक और वर्ड देखो, इंसल्टिंग जो क्रिटिसिज्म लेके आए, क्या वर्ड है वो? पेजोरेटिव, PEJORATIV। पेजोरेटिव का मतलब भी क्या होता है? पेजोरेटिव का मतलब होता है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी के खिलाफ बोला जा रहा है, किसी की बहुत ज्यादा निंदा करी जा रही है, उसकी बहुत ज्यादा बुराई करी जा रही है, ठीक है। आज का वर्ड कंप्लीट हुआ, अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन है आपका क्या, क्या क्वेश्चन है? वेरी सिमिलिट्यूड। क्या वर्ड बोलेंगे हम इसे? हम इसे बोलेंगे वेरी, यहां से तोड़ो से, वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड। वर्ड सिमिलिट्यूड भी बोल सकते हो, वेरी सिमिलिट्यूड भी बोल सकते हो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क रहता है, ठीक है। तो
तो जैसे मैंने आपको बताया, देखो वो कैब याद, आप कहते हो सर आपकी वो कैब अच्छी है, हमें तरीका बताओ। देखो वो कैब याद करो दो तरीके से, एक तो अपने खुद के आप लिंक बनाओ कि यार मैं इसे कैसे याद रखूं, दूसरा आप रूट वर्ड से तैयार रखो। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि रेड पड़ी, तो इसके खिलाफ लोगों ने क्या करा, क्रिटिसिज्म करा कि इसके खिलाफ तो रेड पड़ी, तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा कि टायरेड मतलब रेड पड़ी। आप ऐसे भी याद कर सकते थे इसको, कैसे याद, जैसे ये लिखा हुआ था टायरेड, तो आप बोल सकते थे टायर्ड। अब समझ लो मैं आपको, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं और मैं आपको बिल्कुल टायर्ड होके पढ़ाऊं, तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे, तो मेरे खिलाफ क्या होगा, क्रिटिसिज्म भी तो आएगा यार, बहुत ही थका होके टीचर पढ़ा रहा, तो कैसे क्रिटिसिज्म जाएगा, बेकार क्रिटिसिज्म तो बेकार ही होता है, तो ये क्या होगा टायरेड है। ऐसे आप लिंक करके याद रख सकते हो। दूसरा आप याद कर सकते हो रूट वर्ड से, जैसे यहाँ पे आया वेरी सिमिलिट्यूड, आप कैसे करते हो VERI, ये वेरी VERI, ये वेरी एक रूट वर्ड है, क्या है वेरी एक रूट वर्ड है। इस वेरी का मतलब होता है, देखो ये वेरी बना है, आप ये मान लो, जैसे एक वर्ड बताता हूं मैं आपको वेरिटी, सबसे आसान चीज मैं आपको बताता हूं, वेरी वेरी बना है वेरीफाइड से, समझ लो वेरीफाइड, समझ गए, कोई बंदा है वो अपने बारे में बोल रहा है मैंने ये किया मैंने वो किया, आप उसकी बात को सच मानने के लिए पहले किसी और से उसके क्या करोगे, वेरीफाई करोगे ना उसकी चीजें, तो आप वेरीफाई करो, मतलब वेरी मतलब सच्चाई, मतलब कितनी वो बात रियल है, कितनी उस बात में ट्रुथ है, कितनी वो बात ट्रू है, कितनी वो बात ऑथेंटिक है। वेरी दोबारा सुन लीजिए VERI, वेरी एक आपका रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड का मतलब है रियल, रियल कितनी उस बात में सच्चाई है, कितनी वो बात सच है ट्रू है, कितनी वो बात क्या है ऑथेंटिक है, AUTHENTIC ऑथेंटिक है। तो वेरी का आपका मतलब पता चल गया, ठीक है। जैसे आपका एक वर्ड निकलता है वेरिटी, VERITY, SSC वालों का फेवरेट वर्ड है वेरिटी, बहुत बार पेपर में आता है। तो वेरिटी का मतलब होता है क्या, वेरिटी का मतलब होता है ट्रुथ, फुल ऑफ ट्रूनेस, सच्चाई से भरा हुआ, वेरिटी बिल्कुल ट्रूथ है, ये जो बात चल रही है बिल्कुल ट्रूथ है, बिल्कुल सच्ची बात है, वेरिटी VERITY। एक वर्ड बनता है आपका क्या, एक वर्ड बनता है भाई मेरे आपका वेरेशियस, VERACIOUS, वेरेशियस। देखो कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है जो बहुत बच्चों ने सुना होता है क्या, वोरेशियस, क्योंकि मैं ऑफलाइन सेंटर्स में भी पढ़ाता था, तो मैं जैसे ही लिखता था वेरेशियस तो लोग बच्चे कहते सर स्पेलिंग गलत है, वो आएगा वो तो वोरेशियस होता है, दोनों अलग अलग है, ये है वेरेशियस ये है वोरेशियस, इसका रूट वर्ड है क्या वेरी, VER, वेरी से बना वेरेशियस, और ये क्या है वोरेशियस, ये VOR रूट वर्ड से बना है। अब समझो क्या, इस वेरेशियस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग रियल, कि भाई कोई बात जिस बारे में बात चल रही है वो बात क्या है, वो बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, सच्ची बात है, बिल्कुल रियल बात है, वेरेशियस VERACIOUS। किसी को स्पेलिंग में, किसी को राइटिंग का इश्यू हो रहा हो तो मैं बार बार प्रोनाउंस करके आपको बता दूंगा, आप बस अच्छे समझो, बाकी दिक्कतें मैं संभालूंगा। तो वेरेशियस का मतलब हो गया क्वालिटी ऑफ बीइंग रियल। इंग्लिश में चीजें पढ़ोगे, क्योंकि वो आपको क्या है इंग्लिश में सिनोनिम पूछेगा, इंग्लिश में इडियम पूछेगा, ऑप्शन भी इडियम में होगा, हालांकि मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूं, बट इंग्लिश में ज्यादातर पढ़ोगे चीजें तो अच्छा रहेगा, इंग्लिश इंप्रूव होगी, खिल के बाहर आएगी, ऐसी स्पोकन में भी इंप्रूव होगा आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया वेरेशियस VERACIOUS जो बना VERI वेरी वाले से, ठीक है। एक होता है वोरेशियस, ये जो रूट वर्ड है ना ये वोर वाला रूट वर्ड है, जैसे कि आप बोलते हो कार्निवोर, कार्निवोरस होते हैं, देखो कार्निवोरस होता है ना, कार्निवोरस VOR यहाँ पे आ रहा है, ओमनिवोरस इंसेक्टिवोरस, तो ये वोर होता है क्या खाने वालों से, वोरेशियस मतलब क्या आपका जो खाने से रिलेटेड, ईट से रिलेटेड, जैसे पेटू हो गया जो बहुत ज्यादा खाते हो, वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब पेटू, जो फुल ऑफ ग्रीडी मतलब खाने को लेकर हो, बहुत ज्यादा खाता हो, आपका वोरेशियस हो गया, पेटू कहलाएगा वो। और ये वेरेशियस क्या हो गया, बिल्कुल सच्चाई, कोई बात में बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है, बिल्कुल सच्ची बात है। तो वर्ड सिमिलिट्यूड का आपको जैसे आपने वर्ड देखा, आपने देखा वेरी है सर ने तो बताया था सच्चाई, आपने ऑप्शन देखे आपको पता चला ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी बना ऑथेंटिक से, मतलब रियलिटी है, ट्रुथ की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर चला गया। अब हर एक अच्छे से दोबारा से देखो, VERI वेरी का एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है रियल ट्रू, कितनी सच्चाई है, इसलिए आपका आंसर चला गया ऑथेंटिक सिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है, रियलिटी, जेन्युइनिटी, ठीक है, नॉट डुप्लीकेट।
अब ए देखते हैं, ए ऑप्शन में लिखा था फेस्टिव। यार फेस्टिव मतलब क्या होता है? फेस्टिव का मतलब होता है कि जो इंसान खुशी से भरा हुआ हो, मतलब फेस्टिव बोलो अ फेस्टिव पर्सन, या आई एम इन अ फेस्टिव मूड, तो क्या है कि बहुत ज्यादा खुशी से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, देखो ये फेस्टिव बना किससे? फेस्टिव बना आपका फेस्टिवल से। किससे बना है फेस्टिव? फेस्टिवल से बना। ठीक है, फेस्टिव को कैसे याद रखोगे? फेस्टिवल से। जब भी फेस्टिवल आता है तो आप क्या होते हो, अभी होली का फेस्टिवल आया समझ लो, दिवाली का फेस्टिवल आया, तो आप बिल्कुल भरपूर खुशी से भरपूर हो जाते हो, आप बिल्कुल फेस्टिव मूड हो जाता है आपका एकदम। ठीक है, तो फेस्टिव का मतलब, फेस्टिव को कैसे याद रखोगे? फेस्टिवल से। फैंटास्टिक मतलब बहुत बढ़िया। ग्रोटेस्क, इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं कैसे, ग्रोटेस्क क्यू, ग्रोटेस्क क्यू प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ग्रोटेस्क। ठीक है, कैसे प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है? ऐसी होती है ग्रो टेस्क, ग्रोटेस्क ऐसी प्रोनाउंसिएशन होता है, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, ग्रोटेस्क मतलब क्या होता है? ग्रोटेस्क मतलब होता है बहुत ही घटिया, भद्दा, बेकार, घैसली, GHASTLY, घैसली। एक मिनट रुकिए मैं ये हटा देता हूं। हाँ, ग्रोटेस्क का क्या मतलब होगा? ग्रोटेस्क का मतलब बहुत ही घटिया, बेकार, बैड और भद्दा, भद्दा टाइप, रिडिकुलस टाइप। तो इसको आप बोल सकते हो क्या? इसको आप बोल सकते हो घैसली, GHASTLY, कई बार SSC के एग्जाम में आ रखा है। और एक वर्ड जो आजकल आ रहा है, जैसे अभी जो SSC CHSL हुआ था उसमें भी आया था, क्या वर्ड था? ग्रिम। ग्रिम मतलब भी लाइक सीरियस टाइप का, मतलब कोई कंडीशन ऐसी जो बहुत ही ज्यादा बैड हो, घटिया हो, भद्दी टाइप की कंडीशन, सीरियस भी बोल सकते हो। तो ग्रोटेस्क, गैसली, ग्रिम, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका आंसर क्या हो गया? वर्सिमिलिट्यूड का आंसर आपका हो गया ऑथेंटिसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जो SSC MTS 2020 में आया था, 2019 और 20 में जो हमारा क्वेश्चन था वो था, सिनोनिम पूछा गया था हमारा क्विवर। देखो क्विवर मतलब क्या होता है? क्विवर मतलब होता है थर थराना, थर थरा के कापना, मतलब ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल विद फियर, मतलब आप डर से कप कपा रहे हो, थर थरा रहे हो, आप शेक कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या हुआ? ट्रेम्बल विद फियर, TREMBLE, क्विवर मतलब होता है थर थरा कर कापना, मतलब आपका क्या हो गया? शेक आपका आंसर हो गया। स्टिल का मतलब आपको पता ही है, स्टिल का मतलब है जैसे मैं भी स्टिल हो जाऊं बिल्कुल, मतलब हिलू नहीं, कोई मूवमेंट ना होना, इसे स्टिल। काम मतलब शांत करना किसी को। सूद मतलब क्या होता है? सूद मतलब होता है किसी को शांत करना, मतलब किसी को पैसिफाई करना। कोई बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में है, आप उसको सूद कर रहे हो, आप उसे, उसके एंगर को आप कम कर रहे हो, उसे शांत कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, उसे आप काम कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, उसे आप एलिविएट कर रहे हो। ALLEVIATE, पैसिफाई की स्पेलिंग क्या है? PACIFY। जो मैंने आपको वोकैब वन कराया था, ये वोकैब थर्ड है हमारा, जो मैंने आपको वोकैब वन कराया था उसमें आपको सूद के सारे सिनोनिम्स कराए थे, पैसिफाई, काम, एलिविएट करना, किसी को क्या करना, मॉलिफाई करना, मॉलिफाई, MOLLIFY, मॉलिफाई करना, प्रोपिशिएट करना, प्रोपिशिएट मतलब भी क्या होता है? किसी गुस्से को शांत करना, टू मेक समवन लेस एंग्री, PROPITIATE। अब देखो, अब पैसिफाई एग्जाम में नहीं आता, पहले SSC में बहुत बार आता था, काम भी नहीं आता, अब ये आ जाता है, एलिविएट आ जाता है, प्रोपिशिएट आ जाता है, ठीक है, मॉलिफाई आ जाता है। आपसे पूछ लेंगे अपीस का मतलब क्या है? अपीस, APPEASE, मतलब किसी को शांत करना। तो देखो सूद के इतने सारे सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, तो अच्छे से हर चीज को लिख लिख के करना है। ठीक है, क्विवर मतलब होता है कपकपाना, थरथराना, तो आपका आंसर हो गया शेक करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा कंजक्चर। क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट है कंजक्चर। देखो कंजक्चर का मतलब होता है कोई चीज ना आप गेस करो। कंजक्चर का मतलब होता है गेस करना, आप क्या कर रहे हो? गेस कर रहे हो, जैसे आप अनुमान लगाते हो, गेस करते हो ना कोई चीज। इसका बहुत अच्छा एक वर्ड बताता हूँ, उसका बहुत अच्छा एक वर्ड होता है जो कई बार बैंकिंग और SSC में पूछा जाता है, उसका मतलब होता है सरमाइज करना। ये वर्ड आपको कई बार ना जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, वहां बीच में मिलेगा, सरमाइज करना, SURMISE। सरमाइज का मतलब होता है जब आप कोई चीज गेस करते हो। अच्छा, अब ये जो वर्ड है कंजक्शन, इसे कैसे याद रखना है? तो आप इसे याद कर सकते हो, देखो कि आप गेस कर रहे हो, कैसे, कौन कौन सा इंजेक्शन,
इंजेक्ट, समझ लो इंजेक्ट है, तो आप बोल रहे हो कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हो, मतलब आप गैस करो कि कौन सा इंजेक्शन लग रहा है इसे, ठीक है। या फिर और आप अच्छे से लिंक करो, कुछ बनाओ इसका निमोनिक तो क्या बनेगा, जैसे हाँ ऐसे बन सकता है, देखो बहुत आसान से बताता हूं। आप बोल रहे हो कौन सा लेक्चर, अरे यार आज तो विनय सर की क्लास है, तो विनय सर कौन सा लेक्चर लेंगे, तो आप गेस कर रहे हो कौन सा लेक्चर लेंगे, क्या वोकैब का लेंगे या ग्रामर का लेंगे, तो कौन सा लेक्चर इस कंजेक्चर, मतलब गेस करना, तो आपका आंसर क्या होगा, गेस करना। ट्रूथ आपको पता है, नॉलेज आपको पता है, बायस पता है, जब कोई बंदा दो बंदे हैं तो आप इक्वली दोनों को नहीं देख रहे, एक से आप थोड़ा पार्शियल कर रहे हैं, ठीक है ना, पार्शियलिटी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मडल। देखो मडल क्या होता है, मडल ना आपके दो चीजें हैं, मडल एक तरीके से अगर वर्ब के रूप में यूज हो रहा हो, मतलब मडल वर्ब भी होती है और मडल नाउन भी होता है, अगर आप मडल को वर्ब के सेंस पे यूज करो तो मडल का मतलब होता है टू कंफ्यूज समबडी, क्या होता है टू कंफ्यूज समवन या टू कंफ्यूज समबडी, कंफ्यूज करना बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है कंफ्यूज करना, आप बोलो आई हैव मडल्ड हिम रिगार्डिंग समथिंग, तो आप मैंने उसको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। अगर ये नाउन के रूप में यूज हो रहा हो तो मडल का मतलब क्या होता है, अगर नाउन के रूप में यूज हो रहा हो तो मडल का मतलब होता है कठिनाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होना, परेशानियां होना, डिफिकल्टी, मडल का क्या मतलब होता है डिफिकल्टी, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर चला गया डिफिकल्टी। ऑर्डर मतलब आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, एनलाइटनमेंट मतलब क्या होता है, एनलाइटनमेंट जैसे कि एनलाइटनमेंट मतलब होता है आप कोई नॉलेज ले रहे हो, आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, फिर नॉलेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप एनलाइटन हो रहे हो। या फिर जैसे आपने दिखा होगा, आपने लॉर्ड बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने एनलाइटन हुए थे, या एनलाइटनमेंट उनसे काफी जुड़ा हुआ, तो उन्होंने नॉलेज गेन करी, अंडरस्टैंड करी, फिर लोगों को एनलाइटन करा, तो एनलाइटन का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा डेम्यूर, कई बार रिपीट होता है, देखो एमटीएस में रिपीट हो रखा है, अभी जो सीएचएसए हुआ था उसमें भी रिपीट हुआ था, ठीक है। तो डेम्यूर का मतलब क्या होता है, देखो डेम्यूर का मतलब होता है क्या, डेम्यूर का मतलब होता है कोई बहुत ही ज्यादा शाय, अशाय एंड पोलाइट वुमेन, बहुत ही शर्मीली जो वुमेन होती है, यंग और बिल्कुल शाय वुमेन, उनको हम डेम्यूर कहते हैं। अशाय एंड पोलाइट वुमेन, बिल्कुल जो शांत हो, बिल्कुल शाय टाइप की हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, बोलने में तो शर्माए, जो कि क्या हो, सोबर हो, SOBER, ठीक है। सोबर बोलते हैं हम किसको, शाय वुमेन को हम सोबर बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा काम, जो बिल्कुल आपको क्या हो, जो शाय होते हैं उनको, ठीक है ना, तो SOBER सोबर हो गया आपका, तो डेम्यूर का क्या आंसर हो गया, सोबर हो गया। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो थोड़ा बोल्ड हो, ब्रेव हो, बोल्ड का मतलब आपको पता ही है, जो लोग क्या होते हैं, साहसी होते हैं, बोल्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो शाय है वो बोल्ड तो होगा नहीं। आउटगोइंग का मतलब क्या है, आउटगोइंग का मतलब होता है मेरे भाई कि कोई एक्सट्रोवर्ट है, आउटगोइंग मतलब आप बड़ा फ्रेंडली हो, आप सोशियेबल हो। अब जो शाय पर्सन होगा वो फ्रेंडली तो होगा नहीं, ज्यादा समाज से मिलेगा भी नहीं, तो सोशियेबल भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या, आपका आंसर सोबर है। अच्छा एक वर्ड और ध्यान रखना, एक वर्ड होता है डेम्यूर, DEMURE, एक वर्ड होता है DEMUR, डेमर, इससे कंफ्यूज मत हो ना, दोनों वर्ड होते हैं, ठीक है। इस डेम्यूर का मतलब होता है किसी को रेफ्यूज कर देना, किसी को मना कर देना, टू रेफ्यूज समबडी और समथिंग, किसी चीज के लिए जब आप मना कर दो उसे डेमर कहते हैं, और ये डेम्यूर होता है, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ ई का अंतर है, तो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश, पहले एसएससी का फेवरेट वर्ड हुआ करता था, अब ये वर्ड नहीं आता, इससे रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, मतलब इसी के सिनोनिम पूछते हैं, बट ये अभी आपके एग्जाम में आ रखा था तो मैंने करा दिया। एडमोनिश मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी को स्कोल्ड करना, क्या करना है, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड, REPRIMAND, REPRIMAND, किसी को स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, मतलब आप जो किसी को डांट रहे हो, फटकार रहे हो, उसे कहते हैं एडमोनिश, ठीक है। देखो मनीष को कोई एड दी थी, एक एड एजेंसी ने मनीष को एड दी करने के लिए, मनीष ने वो एड सही से नहीं करी, तो उसे क्या होगा, डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगा, तो मनीष ने एड सही से नहीं करी, इसलिए मनीष को एडमोनिश कर दिया गया। अच्छा था ये तो, एडमोनिश करना मतलब स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, बहुत आसान था, आप भी कुछ भी बना सकते हो। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बुकों से नहीं पढ़ाई है, ये मैं खुद लिंक करके बना लेता हूँ, क्योंकि इतना बच्चों को पढ़ाया भी है, थोड़ा बच्चे भी बता देते हैं, मतलब रेब्यूक करना किसी को,
आर ई बी यू के मतलब चाइल्ड करना, सी एच आई डी ई चाइल्ड। मैंने कई बार बताया आपको, पिछली बार भी बताया था, ये वर्ड भी आया था, तो कई लोग इसे पढ़ते चिडे, चिडे नहीं होता चाइल्ड होता, चाइल्ड मतलब होता है टू मतलब किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली डांटना, स्कोल्ड करना, ठीक है, स्ट्रॉन्गली स्कोल्ड करना, चाइल्ड करना। एनॉय, एनॉय मतलब क्या होता है, एनॉय मतलब आप किसी को परेशान कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, चाइल्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है यार आप किसी चीज को लेके क्या हो, दोषी हो, आप क्या हो, दोषी हो, आप कल्पेबल को याद कर सकते हो कैसे, बहुत ही आसान, ये सारा आपका एमटीएस में आ रखा, कल्पेबल को याद रखो कल्प्रिट से, आप कल्प्रिट हो, आप दोषी हो, मतलब आप गिल्टी हो किसी क्राइम को लेके, गिल्टी मतलब आप ही हो, आप ही के ऊपर ब्लेम है, आप ही दोषी हो, तो यू आर गिल्टी। जो कल्प्रिट है क्या वो इनोसेंट होगा, नहीं भाई गलत, कल्प्रिट राइट होगा, नहीं गलत, ब्लेमलेस मतलब जिसमें कोई ब्लेम ना हो वो इनोसेंट हो, तो ये भी गलत, आपका आंसर क्या हो, गिल्टी, बहुत आसान था ये तो। नेक्स्ट, एग्जुबरेंट, एग्जुबरेंट का मतलब क्या होता है, एग्जुबरेंट का मतलब होता है जो पर्सन फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो, फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ हो, मतलब पूरा एक्साइटेड है, पूरा किसी चीज को लेके उसके अंदर क्या है, ईगरनेस है, ई ए जी ई आर एन ई डबल एस, ईगर है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए हूं कि मैं आपको लोगों को बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाऊं, तो एक्साइटेड हूं, अपने काम को लेके मैं ईगर हूं, ठीक है, कि मैं इच्छुक हूं, मैं करना चाहता हूं, ईगर, ईगरनेस। कैसे याद रख सकते हो, यही देख लो, एक्स, एक्स से बना क्या, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, ठीक है, तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी, ईगर इज योर करेक्ट आंसर। लाइफलेस, लाइफलेस तो मतलब यार जिसके पास लाइफ नहीं है, मतलब जो बंदा जिंदा नहीं है, डेड है, और एक लाइफलेस अगर पर्सन के लिए बोलू कि नाउ डेज ही इज लुकिंग लाइफलेस, तो मतलब डिप्रेस्ड है, परेशान है बहुत ज्यादा, ठीक है, बैठा रहता है बस, डिप्रेस्ड होना, डिप्रेस पता ही आप लोग, अनएक्साइटेड जो किसी काम को लेके एक्साइटेड ना हो वो अनएक्साइटेड है। टायरेड, अरे ये टायरेड देखो यहां पर आया, अब आप इसका आंसर खुद देंगे, ठीक है, और एक नया वर्ड और सिखाऊंगा टायरेड, देखो यहां पे मैंने आपको टायरेड कराया था आज, तो टायरेड का एक नया वर्ड और सीखेंगे। देखो टायरेड मतलब उसके घर में पड़ी रेड, तो पब्लिक ने करा उसको क्रिटिसाइज, तो हुआ टायरेड, ठीक है, तो टायरेड के वर्ड मैंने आपको करा दिए। ट्रेड करना मतलब व्यापार करना, नहीं, प्रेस का मतलब तो किसी को तारीफ करना किसी की, ठीक है, एप्लॉज का मतलब भी प्रेस करना, किसी की प्रशंसा करना। एक और नया वर्ड निकल के आता है रेंट, आर ए एन टी रेंट, एक होता है आर ई एन टी रेंट, जब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर पढ़ाई करता था तो वहां पे मैं टेनेंट था, तो मैं वहां पर रेंट देता था, रेंट पे रहता था, तो वो है आर ई एन टी रेंट, ये है आर ए एन टी रेंट, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा मॉक देना, मॉकरी करना है किसी के खिलाफ, क्या करना है, क्रिटिसिज्म देना, रिटर्न में क्रिटिसिज्म करना किसी को, रेंट, आर ए एन टी रेंट, एसएससी एमटीएस का ही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओनस, ओनस मतलब क्या होता है, ओनस मतलब होता है यार, ओनस मतलब होता है कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी, जैसे कि मैंने आपको बोला यार मैं अब आपको डेली वो कैब कराऊंगा, चाहे वो कैब में ईडियम्स कराऊं चाहे कुछ भी कराऊं, तो मैं, मेरी क्या है, इट इज माय ओनस टुवर्ड्स यू, ठीक है, द ओनस ऑफ इंग्लिश टीचर इज टू प्रोवाइड वो कैब क्लासेस डेली, तो ओनस क्या, उस टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, मेरी क्या है, मैं आप, मेरा ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन, ओ बी एल आई जी ए टी आई, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटेड हूं मैं आपके प्रति कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, समझ गए। अब देखो, हेल्प करना, नहीं भाई, एड, एड मतलब भी होता है हेल्प करना, जैसे फर्स्ट एड, किसी को चोट लगती है तो फर्स्ट एड लाओ, उसे एड करो, उसे हील करो, उसे हेल्प करो, नहीं, ब्लेसिंग, जो आपको ब्लेसिंग दी जाती है वो ब्लेसिंग आपको पता ही है। तो यार ये देखो, जैसे मैं अपनी चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा हूं, ड्यूटी मान रहा हूं, ऑब्लिगेशन मान रहा हूं, अब यही मगर देखो ऑप्शन वाइज, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन तो नहीं है, बट कुछ लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जब वो टाइम पे नहीं करते तो वो उसे बर्डन समझते, क्योंकि टाइम लैप्स हो जाता है, तो उनको होता है यार ये तो मुझे ही करना है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो मेरे पर बर्डन है, उसका आंसर आप बर्डन ऐसे याद कर सकते हो, ऑप्शन में से काट सकते हो। वो क्या आपको करने का, ये भी तरीका होता है जब आपको ऑप्शन को हटाना आता हो, ठीक है, आ जाओ। ग्लीम,
जी एल ई ए एम, ग्लीम का मतलब क्या होता है, यहीं से पकड़ लो, ग्लीम, ग्लीम का जी एल पकड़ो, मतलब जी एल मतलब ग्लो, ग्लीम मतलब जो चीज जिसमें जो चीज मतलब चमकती हो, ठीक है, चमकाना, चमकी हो, जिसमें ना चमक हो, तो ग्लो, ग्लो से ही बना आपका क्या, ग्लॉस, जी एल ओ डबल एस, जैसे लिप ग्लॉस होता है, लिप ग्लॉस क्यों लगाते हो, कि होठ फटे नहीं और होठ क्या हो, आपके लिप्स अच्छे दिखे, चमके, तो लिप ग्लॉस, ग्लो से बना ग्लॉस। तो जब आप लिप ग्लॉस लगाते हो तो आपके जो आपके लिप्स हैं वो शाइन होते हैं, तो शाइन से ही एक वर्ड आपको क्या याद रखना है, शीन, ऐसे ही लिंक करके पढ़ सकते हो। देखो मैक्सिमम आप चीजों को लिंक कर सकते हो, जो चीजें लिंक नहीं कर पाओ, जो चीजें रूट वर्ड के अकॉर्डिंग ना बन रही हो उसे याद कर लो, उसके सेंटेंस बना लो, ठीक है। तो ग्लीम करना, ग्लो करना, ग्लो से निकला ग्लॉस, आपका एक वोकैबुलरी का वर्ड ग्लॉस, और एक वर्ड हो गया शीन, शीन मतलब लस्टर, लस्टर वाली खूबी है, चमकती है, जैसे मेटल्स नॉन मेटल्स हमने लस्टर पढ़ा होगा ना, ठीक है, तो लस्टर एल यू एस टी आर ई, तो ये सारा चमकना, चमकती है, ये सारे वर्ड हो गए वोकैब के आपके, तो आपका आंसर है शीन। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल पता ही आपको, डस्टी मतलब जो डस्ट से भरा हुआ हो, डलनेस मतलब जो बिल्कुल डल हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लॉट, पी एल ओ डी, बहुत एक अच्छा वर्ड है और नया वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ है। प्लॉट का मतलब क्या, एक ही बार एग्जाम में देखा, फिर मैंने इसको रिपीट नहीं देखा कभी भी, बस एक ही बार एमटीएस में आया था ये, तो ये रिपीट हो सकता है। प्लॉट का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, प्लॉट का मतलब है मेरे भाई कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, इसलिए आपके पैर भारी हो गए हैं, बस आप रगड़ रगड़ के अपने आप को घर पहुंचाना चाहते हो, बस मैं घर पहुंच के रेस्ट करूं, समझ गए बात क्या कहना चाह रहा हूं। टू वॉक विथ हैवी लेग्स, आप हैवीली वॉक कर रहे हो, बिकॉज यू आर टायर्ड, आप टायर्ड हो, बस आपने आपको खींच खाच के घर पहुंचाना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, यू आर वॉकिंग हैवीली, ठीक है, आप फुल ऑफ टायर्डनेस हो, ऐसे वॉक करो। तो जब आप हैवी टांगों से वॉक कर रहे हो तो वॉक लाइटली तो हो ही नहीं सकता, क्लियर। ब्रीज क्या होती है, ब्रीज होती है एक सिंपल एंड प्लेजेंट, जब हवा चलती है, विंड चल रही है, ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो जब एक प्लेजेंट, एक बिल्कुल हल्की हवा चल रही हो उसे ब्रीज कहते हैं, ठीक है। टिपटो मतलब जो आप अपने टिपटोस के ऊपर ऐसे चल रहे हो, टिपटो करते हुए, ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया ड्रैग इज योर करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करो, मैंने इससे पहले आपको स्पॉटिंग एरर पार्ट वन कराया, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नहीं देखा है वो, ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, तो चैनल के उसमें वीडियोस में जाकर, तो आप उससे अच्छे से पार्ट वन देखो, उसमें प्रीवियस ईयर कॉमन एरर्स बताया मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन करा है एमटीएस को लेके, बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। एनहिलेट करना, एनहिलेट, एनहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब वाइप आउट कर दो, वाइप आउट कर देना, डब्ल्यू आई पी ओ यू टी, वाइप आउट एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, वाइप आउट कर देना, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है, बर्बाद हो गया सब, वाइप आउट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो समझो, एक एग्जांपल देता हूं, फिर ये एनिहिलेशन आए तो डिस्ट्रॉय आपका आंसर है, एनिहिलेट आए तो समझ जाना, जैसे कि वर्ब हो गई, एनिहिलेशन आपका नाउन बन गया, तो कंफ्यूज मत हो ना, वर्ड को पकड़ के याद करो, अभी आप फॉर्मेशन मत देखो कि यार नाउन है क्या है ये, ठीक है, ऐसा मत देखो, वो भी धीरे धीरे एक सोच बन जाएगी। देखो समझ लो, एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है भाई, ये डॉक्टर है, इस डॉक्टर ने अपनी अपॉइंटमेंट दी, अपनी अपॉइंटमेंट दी, तो जो एनी, जो लड़की है एनी, इस को बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिली, उसके बाद डॉक्टर हमेशा के लिए जा रहा है बाहर, तो ये जो एनी लड़की है, ये एनी, एनी डॉक्टर के पास आने में हुई लेट, एनी लेट, एनी हुई लेट, ठीक है, तो सब हो गया बर्बाद, मतलब एनी डॉक्टर के पास, एनी को दी डॉक्टर ने एक डेट और एनी हुई लेट, तो क्या होगा फिर, बर्बाद हो गया, पैसे वेस्ट चले गए, पैसे गए, सब डिस्ट्रॉय हो गया। देखो मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको वो सोच दे रहा हूं, कोई मैंने ये याद नहीं कर रखा, मुझे तो मालूम है एनिहिलेशन का मतलब डिस्ट्रॉय होता है। अब आपने मेरे से पूछा था कमेंट में, सर आप बताओ कि कैसे याद करोगे, ऐसे बना के याद करो, ठीक है, निमोनिक से याद कर सकते हो आप। तो एनिहिलेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय, बर्बादी, बर्बाद हो गया सब, ठीक है। इनिशिएट मतलब आप कोई चीज बिगिन कर रहे हो, कोई चीज शुरू कर रहे हो, डेड्यूस का मतलब मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, डेड्यूस का मतलब आप कमेंट करके बताओ, तो पता चलेगा आप कितने सीरियस स्टडी को लेके। नेक्स्ट
पैरिटी, पैरिटी पी ए पैरिटी मतलब पास, कोई आपके बहुत पास है आपको उससे पैरिटी है मतलब क्लोजनेस है, नियरनेस क्लोजनेस, पैरिटी इज नियरनेस क्लोजनेस। डिस्प्रपोर्शन मतलब कोई भी चीज सिमिलर नहीं है, ये चीज ज्यादा है ये चीज कम है, सेम प्रपोर्शन में नहीं है, डिस्प्रपोर्शन। जब कोई चीजें सेम प्रपोर्शन में नहीं है तो वो इक्वल नहीं है तो इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है। डिफरेंस है, जब चीजें इक्वल नहीं है तो उनमें डिफरेंस होगा, तो ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए एक दूसरे के, ठीक है। क्लोजनेस आपको पता चल गया पैरिटी का आंसर है। ये जो सारा मैं आपको करा रहा हूँ सर आपका प्रीवियस ईयर है, बट मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, ठीक है। आइए फ्रेल, फेवरेट वर्ड एसएससी का, कई बार एग्जाम में आता है। फ्रेल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा वीक है, डब्ल्यू ई ए के वीक है, वो चीज क्या है बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, एफ आर ए जी आई एल ई, वो चीज बहुत ही ज्यादा नाजुक है, वल्नरेबल है, वी यू एल एन ई आर ए बी एल, वीक है फ्रेजाइल है वल्नरेबल है, आपका आंसर क्या हो गया फ्रेजाइल मतलब वीक है, ठीक है। यार ये ना बड़ा फ्रेजाइल है, जरा सा डाटा नहीं फूट फूट के रोने लग जाएगा, या फिर आप किसी चीज के लिए बोल सकते हो यार ये चीज ना बड़ी ज्यादा डेलिकेट है आराम से लेके जाइए, बड़ी ज्यादा फ्रेजाइल है मतलब डेलिकेट है नाजुक है, डी ई एल आई सी ए टी डेलिकेट। स्ट्रॉन्ग आपको पता है, हैवी पता है भारी, फर्म आपको पता है जो बिल्कुल फर्म हो अपने डिसीजन को लेके, जो इधर उधर मतलब सर्टेन हो, बिल्कुल सर्टेन निश्चित कोई चीज, तो आपका आंसर क्या है फ्रेजाइल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हर्डल, हर्डल आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे हर्डल्स बहुत सारे बैरियर्स बहुत सारे परेशानियां, बी ए डबल आर आई ई आर एस, बैरियर्स ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावटें, हर्डल मतलब रुकावटें, ओ बी एस टी ए सी एल ई एस, तो आपको क्या बहुत ज्यादा बहुत सारे बैरियर्स बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन रुकावटें, ठीक है, रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन पार करके आप एग्जाम में अपियर होके एग्जाम को क्लियर करके फिर ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है बंदा तुरंत आया पेपर दिया बन गया, पहले वो पढ़ाई करेगा मेहनत करेगा काफी सारे बैरियर्स ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करेगा फिर जाके वो एग्जाम क्लियर करेगा, ठीक है। आपका आंसर क्या ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सीलेटर, गाड़ी होती है एक्सीलेटर दबाते तभी गाड़ी एक्सीलरेट करती है स्पीड में आगे बढ़ती है, ओपनिंग पता ही है एडवांटेज पता ही। नेक्स्ट टॉयलसम, जैसे एक टॉयल वर्ड जो होता है टॉयल वर्ड, टॉयल का मतलब होता है हार्ड, हार्ड एंड डिफिकल्ट, जो काम बहुत ज्यादा मेहनत मांगता हो बहुत ज्यादा हार्ड हो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो उसे कहते हैं टॉयलसम, ठीक है। फेसाइल का मतलब क्या होता है, फेसाइल का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, क्या बोल देना फेसाइल। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे क्या है दो तीन मिनट की वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो जैसा किसी और को ले लो कोई पढ़ा रहा है या किसी की कोई वीडियो आपने देखी, आपने वीडियो पूरी नहीं देखी, आपने दो तीन मिनट में समझ लो, हम भी ये चीज कर देते हैं, हमने उसे जज करा और सीधा कमेंट लिख दिया, तो वो कहता है हमने बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो फेसाइल का मतलब होता है बिना सोचे सोचे बिना समझे सोचे कोई कमेंट कर देना, कोई आर्ग्यूमेंट दे देना फेसाइल। इजी नहीं, मोटिवेटिंग नहीं। टायरसम क्या होता है, कोई इतना डिफिकल्ट काम, कोई इतना डिफिकल्ट और हार्ड काम जिससे करते करते आप खुद ही टायर्ड हो जाओ, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम, दैट इज योर टायरसम इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कई बार टायरसम पेपर में आता है और उसके ऑप्शन में बोरिंग दिया होता है, क्यों आप ऐसे याद रख सकते हो, बोरिंग भी उसका करेक्ट आंसर होता है, कोई इतना डिफिकल्ट काम है जिसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांग रहा है आप उसे करते करते डिमोटिवेट हो रहे हो और बोर हो रहे हो, ऐसा ध्यान रख सकते हो। तो टॉयलसम मतलब हार्ड एंड डिफिकल्ट, टायरसम इज योर करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे। एक वर्ड ना और होता है क्या, अलग से बता रहा हूं, फेसिमाइल, एफ ए सी एस आई एम आई एल ई, दोबारा एफ ए सी एस आई एम आई एल ई, कई बार एग्जाम में आता है, जो मैंने अभी आपको वर्ड पढ़ाया इससे रिलेटेड ये नहीं है। फेसिमाइल को आप याद रखो फैक्स, फैक्स फेसिमाइल का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। अब मैं आपको बोलूं यार ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ये बच्चे को मतलब पुणे में चाहिए, तो आप इसे फैक्स कर दो, तो वो क्या करेगा इस नोट्स की एग्जैक्ट कॉपी फैक्स कर देगा, फैक्स करने में क्या एग्जैक्ट कॉपी वहां चलेगी ना, तो फेसिमाइल को आप रखो फैक्स याद, और इसका मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का क्या मतलब है भाई, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस,
आपने बहुत ज्यादा मेहनत डाली, मेहनत आप डाल रहे हो, बट आपको गाइडेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। आपकी गाइडेंस अच्छी नहीं है तो आपका सारा एफर्ट्स क्या हुआ, सारे एफर्ट्स आपके यूजलेस हो गए, आप एफर्टलेस हो गए। यूजलेस होना मतलब अनप्रोडक्टिव, मेहनत तो पूरी करी बट कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाए, अनप्रोडक्टिव, UNPRODUCTIV, अनप्रोडक्टिव मतलब अबॉर्टिव, ABORTIVE, अबॉर्टिव, निष्फल, कोई फल ना निकला, मतलब वो क्या है, फ्रूटफुल थोड़ी ना होगा, फ्रूटफुल का मतलब है तो फल निकला, मतलब कोई परिणाम नहीं निकला, सब बेकार हो गया, एफर्ट वेस्ट हो गए, तो फ्रूटलेस है, तो फ्रूटलेस, प्रॉफिटलेस, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, अबॉर्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अबॉर्टिव। आपका आंसर क्या चले जाएगा, यूजलेस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है यार, मॉडेस्ट का मतलब होता है क्या, मॉडेस्ट का मतलब होता है जो बंदा मॉरल वैल्यूज वाला हो, बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट हो, मतलब बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो, हम्बल हो नेचर में, हम्बल हो, पोलाइट हो, HUMBLE, हम्बल हो, पोलाइट हो, तो हम्बल इज करेक्ट आंसर। ब्रेव आपको पता ही है, ऑडेशियस हो, बोल्ड हो, ये मैंने वोकैब वन में करा रखे हैं, ब्रेव तो नहीं होगा, हम्बल आपका करेक्ट आंसर है। इन अटेंटिव मतलब आप कुछ बच्चे सेशन पढ़ते पढ़ते कहीं रील्स दिख रहे होंगे तो वो सेशन को लेके अटेंटिव नहीं है, इन अटेंटिव है, वो सीरियस नहीं है। इंपल्सिव मतलब क्या होता है, इंपल्सिव मतलब बिना सोचा समझे कुछ भी कर देना जल्दबाजी में, इंपल्सिव है यार, वो बोले यार तुम बहुत इंपल्सिव हो, सीधा लड़ाई कर देते हो, पहले आप मुद्दा देखते नहीं, क्या बात हुई, किसी ने क्या बोला, बस सुना और लड़ने चले गए, इंपल्सिव हो, बिना सोचो समझे कुछ भी कर देते हो, तो आपका आंसर क्या, हम्बल चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेशन यहीं तक था, ये आपका सेशन है वोकैब थ्री का, जिसमें मैंने क्या क्या किया, सारे सिनोनिम्स, वोकैब वन, वोकैब टू, वोकैब थ्री में हमने सिनोनिम्स डिस्कस करे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं आपको स्पॉटिंग एरर्स 2 की वीडियो दूं, ठीक है, या फिर मैं आपको क्या करूं, मैं आपको idioms and phrases दूं, क्योंकि vocab भी चलता रहेगा, क्योंकि vocab की वीडियोस आपकी डेली आएंगी जब तक एग्जाम चल रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए फिर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर मैं और एफर्ट डालूंगा, ठीक है। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।